नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर कैसे आखिर यूट्यूबर बन जा रहे हैं। आप लोग छोटे छोटे यूट्यूबर भटकते रह जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो कभी यूट्यूबर नहीं बन पाते हैं। उनका कोई ना कोई मिस्टेक के कारण उनका चैनल अनफ्रीज हो जाता है, डीड हो जाता है, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, या और किसी प्रॉब्लम से, या फिर वो कॉपीराइटेड वीडियो डाल देते हैं। आप लोग अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि ऐसा कौन सा ट्रिक है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर आज यूट्यूबर बन के बैठे हैं और आप लोग परेशान होकर रह जाते हैं, समय बर्बाद हो जाता है आप लोगों का, लेकिन फिर भी आप लोग सफल यूट्यूबर नहीं बन पाते हैं। आप लोग दोस्तों, जब आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचते हैं, तो आप लोगों को पहले इन बातों का ध्यान दे देना चाहिए कि आप लोग जो वीडियो अपलोड मारते हैं उन वीडियो को कौन कौन देखते हैं। जो लोग भी आपके वीडियो को देखते हैं और उससे जो भी सब्सक्राइबर आते हैं, वो सब्सक्राइबर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस लिए आते हैं, आप लोगों को जानने की ज़रूरत होनी चाहिए कि ये कौन से सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि आप लोगों को बड़े बड़े यूट्यूबर कभी सब्सक्राइब नहीं करते, कभी भी बड़े बड़े यूट्यूबर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि उनका चैनल हैक होने का डर रहता है। आप लोगों को बता दें कि आपको वही यूट्यूबर सब्सक्राइब करते हैं जो जिनके चैनल पे 10-20 वीडियो, 10-5 सब्सक्राइबर्स होते हैं, वही आप लोगों को अपलोड करें, यानी कि ऑडियंस जो है आप लोगों के बारे में जानते हैं, देखते हैं और वॉच करते हैं आप लोगों के वीडियो। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर आप लोगों के वीडियो को वॉच नहीं करते हैं और वही सब्सक्राइबर आप लोगों को मिलते हैं। आप लोगों को ध्यान देने की बात यह कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि वो आपके वीडियो को देखते तो हैं कभी कभी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि सब्सक्राइब एक ऐसा एक यूट्यूब का नियम है कि इससे आपका पूरा नोटिफिकेशन उस तक पहुंचता है, और चाहे तो आपका चैनल डीड हो सकता है या फिर वो आपका चैनल को हैक कर सकता है। आप लोग कभी भी चेक कीजिए आपके चैनल को, आपके यूट्यूब वीडियो को कभी भी बड़े बड़े यूट्यूबर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जब भी आप यूट्यूबर बनने की कोशिश करते हैं तो आपको इन 10 नियम को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि नियम नंबर एक हम आप लोगों को बता रहे हैं कि YouTube वीडियो अपलोड करते समय आप लोगों को अनलिस्टेड में ही अपलोड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत पब्लिश कर देते हैं तो वीडियो रैंक नहीं करेगा, चैनल का एवरेज ख़राब हो जाएगा और YouTube समझ जाएगा कि ये बंदा नया नया है, अभी इसको YouTube के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो आपके वीडियो को कभी भी वायरल नहीं करेगा। क्योंकि YouTube के पास इतना ज़्यादा दिमाग है कि जब तक वो आप जितना आपके अंदर रहेगी जानकारी YouTube के बारे में, एक्सपीरियंस रहेगा, YouTube समझता जाएगा कि इस बंदे के अंदर एक्सपीरियंस है और इस बंदे ने वीडियो सही तरीके से अपलोड किया है और इसके वीडियो को इंप्रेशन भेज के वीडियो वायरल करानी चाहिए। और छोटे छोटे यूट्यूबर जो हैं ऐसे ही कहीं से भी आप वीडियो अपलोड कर देते हैं, वो भी वीडियो आपका अगर कहीं एकाध चल भी जाता है तो मोनेटाइजेशन में आपको वो आगे चल के दिक्कत करेगा। हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियां मत करें, या फिर आपको यूट्यूबर बनना है कि एक दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ आप लोगों को वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को यूट्यूब पे आना चाहिए, नहीं तो वापस छोड़ के चले जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों दो दो साल, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, जाने कितने दिनों तक लोग यूट्यूब पे लगे हुए हैं, अभी भी सफलता नहीं मिल चुकी है, किसी का पहला वीडियो वायरल हो जाता है, ये तो लक है। लेकिन हम मानते हैं कि एक साल दो साल तक आपको कंटिन्यू लगातार पर डे वीडियो अपलोड करनी होगी, और वीडियो में दोस्तों एक आवाज़ होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस वीडियो को फुल वॉच करे, तब आप जाके यूट्यूबर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी वीडियो उठाया और यूट्यूब पर अपलोड मार दिया, कहीं से वीडियो उठाया यूट्यूब पर अपलोड मार दिया, तो कहीं ना कहीं आपके वीडियो पर भविष्य में कॉपीराइट आ सकता है। कॉपीराइट के बाद मान ले रहे हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है, या फिर शॉर्ट पॉलिसी लग सकता है। अगर उससे आपका अर्न भी हो गया कहीं ना कहीं से, अगर मोनेटाइजेशन के बाद, तो आप उससे पैसा नहीं कमा सकते हैं, आपका मेहनत सब पानी में चला जाएगा। तो हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि तीसरा रीज़न ये है कि इसमें जब भी आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसको बढ़िया तरीके से एडिटिंग कीजिए। एडिटिंग किया गया वीडियो 100% वायरल जाता है। हमने दो साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, दो साल का एक्सपीरियंस जिसमें हम बता रहे हैं कि एडिटिंग हुआ वीडियो 100% वायरल जाता है, और डायरेक्ट अपलोड वाला वीडियो का कोई गारंटी नहीं रहता कि YouTube वीडियो अपलोड करेगा, YouTube वीडियो को इम्प्रेशन भेज के वायरल करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप लोग काइन मास्टर से या फिर VN से किसी तरह से उसको थोड़ा बहुत एडिट मार देते हैं तो फिर वो आपका चांस बनता है कि ये वीडियो 100% चलेगा। और पर डे दोस्तों जहाँ तक हो पाए, अगर शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो 4 से 5 वीडियो पर डे अपलोड मारिए, कोई ना कोई वीडियो रैंक करेगा, कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। और ये आप लोगों को बता दें कि आप लोग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के थ्रू कभी भी यहाँ वहाँ का वीडियो से कुछ हो गया कि कहीं पर कुछ
अनुचित कुछ दिखाई दे रहा है उसको उठा के डाल दिए, तो ये कहीं आज आपको नन पॉलिसी के तहत कमेंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं दे रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी दे सकता है, आपका चैनल डीड हो सकता है। हमने चैनल चेक किया है दोस्तों, उनके वीडियो पे कभी भी कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक और कमेंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग स्ट्राइक तक नहीं आया था, और एक बार में 10-10 स्ट्राइक आया और उनका चैनल डीड हो गया। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, पेशेंस करेंगे, पेशेंस करने के बाद धीरे धीरे काम कीजिए, काम करने के बाद उसके बाद आप लोग ऐसा ना सोचिए कि जल्दी से जल्दी हम अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा लें, पैसा अर्न करें। आप लोगों को ऐसा नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको ये बताते हैं कि आप लोगों के पास सब्सक्राइबर कम रहेंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप अर्न कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हैं तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 4000 आवर हैं, लेकिन आप लोगों के पास जितना से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर रहेंगे 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन, तो उससे क्या होता है दोस्तों, बढ़िया से बढ़िया एक ही वीडियो, दो ही वीडियो पर डे देंगे तो उसके आपके चैनल का एवरेज बना रहेगा। और अगर आपके पास परिवार है, आपके पास YouTube फैमिली बना ली है आप 1 मिलियन का या फिर 1 लाख का, तो उसमें कभी ना कभी वो एक्टिव हो देंगे और आपका वीडियो ज़रूर वॉच किया जाएगा। जब आपके पास सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे तो आपका वीडियो कहाँ से वायरल जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कितना हमारा जाता है, 2000, 10000, 14000, अभी भी मेरा वीडियो 1 लाख पार नहीं किया है, चूँकि मैं 2 साल से अनुभव कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर, कि और बड़े बड़े लोगों का चेक करता हूँ जिसमें ऐसा लगता है इनके पास 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 80000, 90000, 1 लाख व्यूज, 1 मिलियन चला जाता है। क्यों जाता है? उनके पास ऑडियंस है, और ऑडियंस के साथ साथ जब उनका वीडियो ऑडियंस देखती है तो उनके वीडियो को रीच मिलता है, रीच मिलता है, इंप्रेशन मिलता है, उससे वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं, और जो वीडियो बूस्ट हो जाती है वो वीडियो वायरल चली जाती है और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज कर लेती है। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि मोनेटाइजेशन के पीछे कम दौड़िए, पहले चैनल को बड़ा बनाइए, समय दीजिए, उसके बाद आप लोग सफल यूट्यूबर बन जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए दोस्तों बात पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई का सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के लिए ऐसे ही दमदार वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। जब भी बड़ी से बड़ी ज़रूरत रहेगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट मारिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।